देखिए, देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़े न्यू क्रिमिनल लॉ लागू होंगे। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर तीनों कानूनों में बदलाव किए गए। तीनों नए कानूनों के लिए सभी राज्यों में ट्रेनिंग फैसिलिटी दी जा रही है, जिससे लोगों को कानून के बारे में बेहतर तरीके से समझ आएगा। इन कानूनों से आमजन को होने वाले फायदे से रूबरू कराने के लिए सरकार ने जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए। इनके जरिए नए कानूनों को लेकर फैली भ्रांतियों को भी दूर करने की जानकारी दी जा रही है। देश में तीनों नए कानून लागू होने के बाद हर अपराध का पंजीकरण होगा और पीड़ित को तय समय से न्याय मिलेगा। इससे अदालतों में लंबित मुकदमे के निस्तारण में भी तेजी आएगी और देश में समय के साथ बदलते अपराधों को देखते हुए कानून मील का पत्थर साबित होगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज 1 जुलाई से होने वाला है। इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे और इससे नागरिकों को सुविधा होगी। इसमें टाइमलाइन तय की गई है, 0 FIR की सुविधा की गई है और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग है इसमें।